वेलकम है आप सभी का करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। देखिए जो अक्टूबर वाला ये अपना बैच स्टार्ट हुआ था 1 तारीख से, अभी तक एक भी वीडियो इसकी अपलोड नहीं की गई थी फीडबैक की, और आज जो है कि 14 तारीख है ना, 14 तारीख को ये वीडियो अपलोड की जा रही है, मतलब कि बनाई जा रही है फीडबैक की कि हाँ करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे जाने के बाद जो नए स्टूडेंट आए हुए हैं उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, जो चीज़ें उनको बताया गया था फ़ोन पे वो सारी चीज़ें इन्हें मिली या नहीं मिली, ये सारी चीज़ें इन्हीं से पूछी जाएगी। तो चलिए बारी बारी लोगों से पूछते हैं और जानते हैं करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में। और ये जो इंस्टीट्यूट है यूपी आजमगढ़ महाराजगंज में है। चलिए आप खड़े हो जाइए, ये लीजिए, थोड़ा ऊपर करिएगा इसको माइक को। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनेद। मोहम्मद जुनेद, कहाँ से आए आप? जिला बिजनौर यूपी से। अच्छा, कितना साल हो चुका है यहाँ पे अभी आपको? ये भी एक महीना भी नहीं हुआ। एक महीना भी नहीं हुआ, क्या क्या चीज़ सीखे आप तब भी कुछ बताइए। स्प्लिट एसी, विंडो एसी पूरी होने वाली है। अच्छा, और गीजर, हाउस वायरिंग, आरओ। कितने दिन में? 20-25 दिन में। 20-25 दिन में। क्या ऐसा लग रहा है कि आप 1.5 महीने में काम को सीख लेंगे पूरा? जी। अच्छी तरीके से जी कर लेंगे फील्ड में, कि बस उसे थोड़ा सा दिखा दिया जाता है, देखो ये मशीन ऐसे ऐसे होती है, बस हो गया कोर्स कंप्लीट, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, सही से खोल के कैसे वायरिंग होती है, कैसे उसको बनाते हैं, क्या करते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह सब बताया जाता सही से? जी सही। आज तो वगैरह मैंने कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए आप कहाँ से हैं? सर नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ जी। दिल्ली से आए जी सर। और यहाँ पे आने के बाद जो चीज़ आपको फोन पे बताई गई थी वो सब मिला कि नहीं मिला? सर फोन पे जो बताई गई थी उससे ज़्यादा यहाँ मिला मेरे को, 100% मिला बिल्कुल, और जो आप बताते थे वो रियल था। थोड़ा ये डर था मेरे को, मैं दिल्ली से आजमगढ़ जा रहा हूँ, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, पर आपने वीडियो में बोला था कि 3 दिन का आप डेमो लीजिए। मिला था? बिल्कुल मिला था सर, उसके बाद हमने पेमेंट करी थी। अच्छा, और सुने कि आपका फुल पेमेंट भी हो चुका है? जी सर, मैंने पूरा पेमेंट फुल पेमेंट एक बार में ही कर दिया था। नहीं लगा कि पेमेंट पूरा कर देंगे कहीं फिर फंस जाएगा बात? नहीं नहीं सही, क्योंकि हम नए बैच के नए बच्चे थे, हमने पुराने बच्चों से भी पूछा था वहाँ पे, तो हमारे को यही बताया गया था कि बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है और हमने 3 दिन में देख भी लिया था। जब आप लोग डेमो लेते हैं तो आप लोगों को अलग रूम में रखा जाता है कहीं साइड में, या फिर उनको साथ रखा जाता है जो पहले सीख चुके होते हैं? नहीं, उनके साथ में रखा जाता है कि आप पूछ सकते हो उनसे, सीख सकते हो। जी बिल्कुल सर। चलिए, बहुत कोई दिक्कत रहने वाले में है? नहीं सर, रहने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा चीज़ तो ये है, हम क्लास में आते हैं हमारे को 100% समझ में आता है, और अगर एक बार नहीं आता तो 2 बार पूछो 3 बार पूछो, इसके लिए कोई मना नहीं है। मतलब ये नहीं कहता ना कितनी बार पूछ रहे हो बैठ जाओ? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब चाहे तो 4 बार पूछ, चाहे 5 बार। बिल्कुल सर बिल्कुल, जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता कॉन्सेप्ट तो जब तक आप बताते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब पढ़ाता कौन है? जी सर आप ही पढ़ाते हैं। और सुहेल सर भी है ना? बिल्कुल सर, सुहेल सर है, पर ज्यादातर आप ही पढ़ाते हैं। चल ठीक है, आप बताइए कहाँ से हैं आप? सर नमस्कार, मेरा नाम शिवम यादव है, मैं अम्बेडकर नगर जिले से, नवादा बाजार पर कोलिया बाजार से हूँ। अच्छा, तो आप डेली आते जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं? हॉस्टल में ही रहता हूँ, पहले 3-4 दिन डेमो क्लास गाड़ी से आकर किया हूँ, उसके बाद। क्या ये कहा गया था कि डेमो के टाइम में हॉस्टल नहीं मिलेगा? नहीं कहा गया था, मिलेगा, आप यहाँ पर रह सकते हैं। हाँ, घर वाले कहे 3-4 दिन वैसे घर से आकर ही, आपकी मर्जी थी इसलिए आप जा रहे हैं? गाड़ी से आते जाते थे। तो क्या सब कुछ मिला जो सोच रहे थे? जी सर सब कुछ मिला। ऐसा लग रहा है कि आप 1.5 महीने में काम सीख लेंगे? जी जी। अगर नहीं सीख पाएंगे तो कह दिया जाएगा जाओ, हो गया कोर्स? नहीं सर, उसके बाद भी हमें क्लास मिलेगा उसी फीस में, लेकिन अपना रूम का खर्चा ये सिर्फ देना होगा। कितना देना पड़ेगा महीने का? 2000। अगर 1.5 महीना ज्यादा रहते हैं तो 2000 रुपए महीने के हिसाब से जी सर देना पड़ेगा। 15 दिन रहेंगे तो 1000 है ना, 2-4 दिन रहेंगे तो कोई पैसा नहीं है ना? जी जी। ठीक है, आप बताइए आप कहाँ से हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बिहार समस्तीपुर से हूँ। अच्छा, तो बिहार से आए हुए आपको यहाँ पे कितना दिन हो गया? जर सर मेरा आज 1 हफ्ता हो चुका है। 1 हफ्ता हो चुका जी सर। 1 हफ्ते में कुछ सीखे उखे? जी सर, 1 हफ्ते में विंडो एसी के बारे में बहुत कुछ समझ में आया। अच्छा, और बहुत कुछ मैं समझ भी चुका हूँ। और कोई चीज? और सर विंडो एसी तो शायद आज खत्म हो जाएगी, उसके बाद वॉशिंग मशीन का क्लास जो शुरू हुआ था उसमें भी सर मैक्सिमम बहुत कुछ समझ में आया। उसकी वायरिंग सीख चुके हैं? जी जी समझ। कर लेंगे वायरिंग? जी बिल्कुल कर लेंगे। कितने टाइमर के साथ, बताइए कितने तार के टाइमर के साथ कर लेंगे? 4 तार टाइमर वाली हो या 5 वाली हो या 6 वाली या 7 वाली सभी कर लेंगे। जी बिल्कुल कर लेंगे। सभी वायरिंग के बारे में जितने भी टाइमर अभी आप बताए सबके साथ कर लेंगे वॉशिंग? जी सर बिल्कुल, आपने इस तरह से समझाया कि मैं बिल्कुल 100% जो है वायरिंग कर लूंगा। अच्छा बहुत अच्छा। और बाकी उनके जो पार्ट वगैरह लगे होते हैं, कितने मोटर वोटर लगे होते हैं और सारी चीजें जो मशीन में लगी होती है? जी सर सब जानते हैं आप? क्या सर जानते हैं?
कैसे मशीन धुल देती है, कैसे सुखा देती है, ये सब जानते हैं सर? जी बिल्कुल जानते हैं। बहुत अच्छा, उम्मीद है कि सीख लेंगे। जी बिल्कुल उम्मीद है सर। ये डेढ़ महीने में सीख लेंगे ऐसा लग रहा है? ऐसा लगता है कि एक महीने में सीख लेंगे। ऐसा लगता है कि एक महीने में सीख लेंगे जी सर। ये जब कोई बात सुनेगा आपके आसपास का या कोई भी मतलब बात सुनेगा, यकीन करेगा इस सब? यकीन तो बिल्कुल नहीं करेगा, जब यहाँ आएगा तभी उन्हें समझ में आएगा जी सर। देखिए बात यह है कि एक महीना और डेढ़ महीने में काम, इतने सारे चीजों को सीख लेना, मतलब एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, गीजर, आरओ, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, सॉरी, सबको सीख लेना ये पॉसिबल नहीं होता है ना? ऐसा दिमाग में सेव होने वाली बात ही नहीं है ये। जी सर, होता क्या है ना कि जैसे कि कोई अगर सुनता है तो उसे बिल्कुल सही में यकीन नहीं होगा, यकीन नहीं होता। लेकिन यहाँ आने के बाद आपके जो पढ़ाने का जो तरीका है, समझाने का जो तरीका है, वो उससे जो है 100% जो लोग सीख ही जाएंगे, समझ ही जाएंगे। जो लोग डर रहे हैं कि हम डेढ़ महीने में नहीं सीख पाएंगे, तो डरिए मत, आप एक साल सीखिए ना, दो साल सीखिए, कौन मना कर रहा है? क्या हटा देंगे यहाँ से? सीखिए, कोई पैसा नहीं उसका है, कोई चार्ज ही नहीं है, हॉस्टल का बस वही है, तो हॉस्टल में रहेंगे, जाहिर सी बात उसमें आपको बर्तन, गैस, बिस्तर, रूम ये सब मिल रहा है ना आप लोगों को? जी सर बिल्कुल। बर्तन, गैस, बिस्तर, रूम वगैरह उसी 2000 में ना, मतलब कि उसी पैसे में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो डेढ़ महीने में सीख पाएंगे, तीन महीने सीखेंगे, चार महीने सीखेंगे, लेकिन बस सीख के जाना है तो जाना। जी सर। चलिए बहुत अच्छा, आप बैठिए। आप कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम। हम बिहार से, सहरसा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, बिहार से। तो आपको यहाँ पे आए हुए कितना दिन हो चुका है? 10 दिन हुआ। 10 दिन हुआ। आप इस फील्ड में पहले से थे? नहीं, पहले नहीं थे ना। नहीं। जो भी सीखे अभी यहाँ पे ही आके कुछ सीखे, इसके बारे में जाने। जी जी। तो क्या ऐसा लग रहा है कि सीख पाएंगे आप? हाँ, ऐसा लग रहा है कि आपके अंदाज से, पढ़ाने के अंदाज से जो सारी चीज समझ में आती है। और ये जो भी चीजें अभी तक सीखे हैं उसमें श्योर है पूरा कि मतलब हाँ हो जाएगा? बिल्कुल। या ऐसा कि हम कुछ भी बताते रहते, कुछ समझ नहीं आता, बस हाँ हाँ करते रहते, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ये तो कंफर्म हो जाता है 3 दिन की डेमो में। हाँ। कि हम अगर एक दिन में कंफ्यूज है, दूसरे दिन समझ में आया, तीसरे दिन में कंफ्यूज होती, जिसको जाना चाहता है चला जाता है, लेकिन 3 दिन में हमें समझ में आ गया था सारी बात है। हाँ। इसलिए हम यहाँ पे। मतलब ये जो रियल है कि 3 दिन का फ्री क्लास मिलता है? 3 दिन का, बीच में एक आध दिन संडे भी पकड़ा जाए, अगर एडमिशन के पैसे नहीं तो फिर भी सर छोड़ ही देते। हाँ, तो मतलब 4 दिन भी हो जाता है कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और हॉस्टल में जो रहते हैं 3 दिन तक, वो उसका चार्ज देना पड़ता है? नहीं, कोई चार्ज, कोई चार्ज। उसी पैसे में है ना, मतलब वो फ्री है 3 दिन तक, अगर मन करे तो जाओ। बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल उसका कोई चार्ज नहीं देना, 500 दे दो, 600 दे दो, डेमो के बाद आपकी मर्जी है, आप रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहेंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं, जिस तरह आए तो उस तरह जा सकते हैं। ऐसा नहीं जबरदस्ती करते हैं, नहीं आधार कार्ड आपको नहीं देंगे जो जमा किया कराए हैं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे कोई भी झिझकने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है कि हमें हॉस्टल में झिझक हो, जैसे सर बता रहे हैं कि गैस में, बर्तन में, हॉस्टल में, कोई भी चीज़। अच्छा, में कोई गैस वगैरह जब खत्म हो जाता तो बोला जाता है इतना जल्दी कैसे खत्म कर दिए गैस, ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं बोला जाता है, दूसरी बार भी खत्म हुआ आप 2 दिन में खत्म कर दीजिए, आइए पर्ची लेके जाइए, आप भरवा दीजिए, ऐसा है सिस्टम ना? जी जी। मतलब ये फ्रॉड व्रॉड तो नहीं लग रहा है? कुछ फ्रॉड नहीं है, जिस तरह की अभी कंडीशन चल रही है कि लोग ज्यादा फ्रॉड करते हैं गल्फ भेजने में या फिर इंडिया के अंदर ही, उस हिसाब से 100% श्योर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, किसी भी तरह का कोई भी झिझक नहीं है। हमें आने टाइम में तो डर लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन पहुँचने के बाद सारी चीज 100% मिली। आप कहाँ से हैं? सर मैं राजस्थान के भरतपुर जिले से हूँ। अच्छा, राजस्थान से काफी दूर से आए हैं? हाँ सर। तो उतने दूर से इतनी दूर कैसे आ गए? आपकी वीडियो देखता था सर मैं। अच्छा, वीडियो से भरोसा कैसे कर लिए? सर आपकी वीडियो से मैं आसानी से काम करता था। अच्छा, आसानी से? हाँ। अच्छा, पहले भी आप काम करते थे? हाँ सर, मैं काम करता था। कितने दिन तक? सर मुझे साल भर हो गई। एक साल किसी के साथ करते थे? हाँ सर, मैं सीख रहा था किसी के साथ। तो यहाँ पे आने की जरूरत हुई? सर आप ओन नॉलेज के लिए आया था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कहने का मतलब अभी जो कितने दिन हुए आए हुए? मुझे 14 दिन हुए सर। 14 दिन, मतलब आप 1 तारीख से आप भी आए ना? 1 तारीख से सर। तो इस 14 दिन में सीखे क्या ये बता दीजिए सर? विंडो एसी और वॉशिंग मशीन। क्या आपको ये लग रहा है कि जैसा फील्ड में मिलता है काम वैसा ही सिखाया जाता है? यस सर, उससे भी ज्यादा सिखाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि फील्ड में कुछ अलग अलग चीज मिलती है? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे फील्ड में होता है वैसे यहाँ पे समझाया जाता है कैसे कैसे? हाँ सर, उससे भी ज्यादा तरीके से सिखाया जाता है यहाँ। मतलब मिला जुला के ठीक ठाक है, सीख सकते हैं, उम्मीद है कि इतने टाइम में सीख लेंगे? पूरा उम्मीद है, डेढ़ महीने में सीख जाएंगे, उससे भी ज्यादा, उससे भी पहले सीख लेंगे। यस सर। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम जसविंदर सिंह है, मैं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से। हरिद्वार, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से। तो आपको आए हुए कितने दिन हो गए यहाँ पे? मुझे यहाँ आए हुए 13 से 14 दिन हो गए।
इस फील्ड में पहले से थे आप? नहीं, मैंने पहले कभी काम नहीं किया। कभी नहीं काम किए? अभी कुछ कर सकते हैं जो सीखे हैं? क्या सीखे हैं कुछ बताइए। हमारी विंडो एसी कंप्लीट होने वाली है। अच्छा। उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला है। हाँ, अभी इसमें सबसे मेन चीज जो है वो बचा हुआ है, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है। वो मेन चीज ये है कि फॉल्ट को फाइंड करना, उसके कैसे मतलब दो उपाय होते हैं, ये नहीं चल रहा था क्या खराब हो, नहीं चल रहा कैसे खराब हो रहा है, कैसे चेक करेंगे, ये सारी चीजें। तो ये उम्मीद है कि कल परसों तक खत्म हो जाएगा आप लोगों का, कल तक या फिर परसों तक तो कोई इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। और हॉस्टल वॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं सर? जैसा बताया गया था कुछ ऐसा लग रहा है कि फ्रॉड व्रॉड हो जाएगा? नहीं सर, अभी लग रहा है कि अच्छा से पढ़ा रहे हैं, बाद में फिर ऐसा हो सकता है कि कहा जाए कि लापरवाही कर दिया जाए पूरा? नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा है। लग नहीं रहा है? डर नहीं लगता यहाँ पे? नहीं सर, बस थोड़ा आने में झिझक सी हो रही थी। लेकिन आने के बाद कुछ ऐसा होगा? लेकिन आने के बाद कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ। बहुत अच्छे, आप बैठ, आप बताइए। सर नमस्ते। नमस्ते सर, बताइए आप क्या नाम है, कहाँ से है? मेरा नाम सुनील सिंह असवाल है, मैं उत्तराखंड के चमोली जिले से आ रखा हूँ सर। और आप इलेक्ट्रीशियन भी हैं? जी सर। कितने साल किए हैं काम? सर वैसे तो मैं बिजली विभाग में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अच्छा अच्छा, जी सर। बहुत अच्छा, तभी कितने साल से आप इस फील्ड में हैं इलेक्ट्रीशियन वाले, बताइए। मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा ऊपर करेंगे, थोड़ा तेज बोलेंगे अच्छा रहेगा। मैं तेज बोली, थोड़ा सा बहुत तेज बोलते हैं, यहाँ स्लो बोल रहे हैं ना, नहीं बोलेंगे तो आवाज़ पहुँच ही नहीं पाएगी, तो कहेंगे क्या बोले समझ नहीं आया, कमेंट आएगा। सर मैं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं 12-14 साल से सर्विस में हूँ। सर और मैं उसके साथ साथ पार्ट टाइम अपना मोटर वाइंडिंग और ये चीज़ें भी करता हूँ सर। अच्छा, लेकिन मुझे एसी और रेफ्रिजरेशन का मतलब ये एक तरह से नॉलेज लेने का वो इंटरेस्ट था सर जी। तो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी कि क्यों घबराता है, कल क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। मैंने उसे देखा सर और मैं सीधा निकल पड़ा। एक शेर सुन के निकल गया। हाँ, क्योंकि देखो सर मुझे टेक्निकल लाइन का बहुत शौक है। उसमें कुछ भी नया सीखना हो उसे सीखने की बड़ी ऐसा सीख पा रहे हैं आप यहाँ करके? बहुत ही बढ़िया सर, मैंने विंडो एसी क्लियर कर लिया और मुझे लगता है मैं जाते हुए एसी और रेफ्रिजरेशन क्लियर कर लूंगा जी सर। और सीखने के लिए एक बेसिक होता है सर, बेसिक आना चाहिए, थोड़ा सब लोगों को ध्यान देना चाहिए, वो बेसिक आना चाहिए, बाकी आदमी जो भी सीखता है फील्ड में प्रैक्टिस करके। आजकल की लाइट वगैरह खराब होती है, तेज बनाते हैं, है ना? हाँ जी, काफी अच्छा नॉलेज आपके पास है, काफी साल से आप काम कर रहे हैं फील्ड में। जी सर, बाकी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ फ्रॉड वगैरह हो जाए? नहीं 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 सर, पहले मुझे भी था कि मैं उत्तराखंड से कहाँ जा रहा हूँ, यूपी तो हम कभी आए भी नहीं थे सर, जब उत्तराखंड और यूपी एक साथ था तो हमारे कभी दादा लोग या पिताजी लोग आए होंगे। अच्छा, उसके बाद से मैं फर्स्ट अभी पहला आदमी हूँ जो अपने उत्तराखंड से आ रहा हूँ अपने परिवार से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, मतलब सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया सर। चलिए जी, आप बताइए, आप तो काफी साल हो चुका आपको आए ना? सर साल नहीं हुआ सर, मेरे को अभी एक डेढ़ महीना हो गया। डेढ़ महीने हुए ना? यस, कोर्स हो गया आपका ना? कोर्स कंप्लीट हो गया सर। कोर्स कंप्लीट है? यस सर। क्या कभी ये कहा गया कि कोर्स हो गया चले जाओ, मत रहो यहाँ पे, भीड़ है? नहीं सर, वो जा सकते हैं ऐसे हो गया करके, अभी तो मैं थोड़ा दिवस। लेकिन कोई कहा यहाँ? नहीं कहा, नहीं किसी ने। क्या कोई कह देगा कभी ऐसा? नहीं कहेगा सर, जाओ। नहीं सर, आपकी मर्जी, जितने महीने रुकना पड़े आप रुको। यस सर। क्या ये कहा जाता नहीं यहाँ नहीं बैठना, पीछे वाले सीट पे बैठना है? नहीं, कहीं भी बैठ सकते हो, आगे बैठ सकते हो, पीछे बैठ सकते हो, उससे नहीं मतलब कि हम पुराने हैं नए। हाँ, कुछ नहीं मतलब, जैसे पहले सिखाया जाता जा रहा था वैसे आप भी सिखाया जाएगा, ये नहीं कि टाइम हो गए तो फिर जाओ। नहीं सर, ऐसा नहीं। मकसद हम लोगों का यही है काम को सही ढंग से सिखाना। हम लोग फील्ड में काम कर चुके हैं, जानते हैं कितनी परेशानी होती है फील्ड में, इसलिए ये नहीं कि बस कोर्स हो गया जाओ, अरे कोर्स थोड़ी मतलब है, आना चाहिए ना। तो इसीलिए कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं, नहीं। आप 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, आपको बता दे, ऐसा नहीं है? नहीं ऐसा ही है सर। और कोई परेशानी हो रही नहीं, है? परेशानी तो कोई नहीं सर, दिक्कत वाली बात नहीं। आपके अपने बुआ को छोड़ने के लिए आपको? सर, हम लोग अब सब समझ गए, ठीक ठाक है ना? नमस्ते। आप बताइए, गोविंदा, इनका नाम है गोविंदा जी सर, इनको भी लगभग 1.5 महीना हो गया जी सर। 1.5 महीना हो गया। कोर्स हो गया है कम्प्लीट जी सर? कम्प्लीट हो गया। और कोई परेशानी हुई कोर्स के दौरान? कोई परेशानी नहीं सर। और हॉस्टल वॉस्टल में इतना दिन रहे, कुछ परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। आते समय डर लग रहा था? नहीं सर, हम तो आजमगढ़ से जिले से। अच्छा, आप आजमगढ़ के ही जिले से? जी सर। कहाँ से हैं बताइए? जौनपुर जिले के पास में है, जिला हमारा आजमगढ़। आपका गांव कहाँ है, घर? मार्टिनगंज बस्ती। मार्टिनगंज बाजार बस्ती कपूरी गाँव है। अच्छा अच्छा, 70 किलोमीटर। तो आप ऐसा लग रहा है कि आप काम कर लेंगे फील्ड में? जी सर, एकदम 100% कर लेंगे?
सर अभी तो फिल्म जब करेंगे तो 100% होगा, अभी तो 80% तो पूरा है, हो जाएगा ना, हो जाएगा 80%। देखिए बात ये है ना कि जो डर है ये कब खत्म होगा ऐसे नहीं होगा, जब आप अपने हाथ से खुद एक दो महीना चार महीना करेंगे, मशीनों को सही करने लग जाएंगे, तब वो डर खत्म हो जाएगा। जी सर, तो उम्मीद है कि आप फिल्म में उतरेंगे तो उसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे। जी सर, जानकारी आप इतना दिए हैं उतना लिए हैं, जानकारी तो पूरा हो गया है, बस थोड़ा हाथ से करने बाकी। जी सर, फिर हाथ साफ करना है। क्या आपको अगर कहेंगे तो कहीं लगा भी दिया जाता है यहाँ से ना, मतलब कहीं प्लेसमेंट वगैरह भी मिल जाता है? जी सर, इस समय देखिए आसाम में है और राजस्थान में दो जगह भी भेजा जा रहा है, तो जो लोग भी जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। वहाँ राजस्थान में देखना पड़ेगा रजिस्टर में, नंबर है, नंबर दे देंगे उससे बात कर सकते हैं। सर के पास नंबर है, जिसको जाना है सर ये भी देखिए बात नंबर दे दीजिए, हम भी लिए नंबर, जहाँ जाना होगा बात कर लेंगे, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। मतलब काम को छोड़ के बैठना नहीं है, मतलब ये सीख के बैठना नहीं है, आपको कहीं ना कहीं लग जाना है, नहीं लगेंगे तो फिर धीरे धीरे भूल जाएंगे, बहुत परेशानी होगी। आप कहाँ से हैं? मैं गाँव से हूँ। किस गाँव से हैं? मेरा गाँव का नाम हुसैपुर है। हुसैपुर मतलब इसी महाराजगंज में एक हुसैपुर गाँव है, यहीं से ये है। तो सी आप तो लगभग कोर्स आपका कम्प्लीट हो गया ना? जी। एसी था ना आपको? जी। कैसा लग रहा है, आप एसी कर लेंगे? आराम से कर लेंगे। कर लेंगे? यस सर। कोई दिक्कत वक्त हुई यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं दिक्कत। चलिए अच्छा ठीक है, बात हो गया। कहाँ से हैं आप? जी मैं देवरिया जिले से। देवरिया जिले से, यूपी में ही पड़ता है देवरिया जिला, इसके जस्ट बगल में आजमगढ़ के जस्ट बगल में देवरिया जिला है। यहाँ पे आए हुए कितना दिन हो गया आपको? सर मुझे एक महीना हो गया। एक महीना हो गया जी। एक महीने में क्या क्या चीज सीख गए आप? सर विंडो एसी, स्प्लिट एसी। आपका बस एसी का ही था ना? जी। सीखने को कोई दिक्कत हुई? नहीं सर, बिल्कुल सही है, सही पढ़ाते हैं। लग रहा है? नहीं सर, शुरू शुरू में तो लगता है सबको, क्योंकि दुनिया ऐसी चल रही है। ऐसी चल रही है, सही। बिल्कुल फ्रॉड वाला, यही फ्रॉड वाला जो सिस्टम है, इसी की वजह से 3 दिन का फ्री क्लास दिया गया जी, बिल्कुल, ताकि समझ सकें कि यहाँ सच में सही है या नहीं है। और रियल में जो चीज जो लोग डेमो नहीं देते हैं, उन पर डर है कि हो सकता है कि वो फंसा दे। बिल्कुल, वो लड़कों से मिलने भी नहीं देते हैं कि अगर मिल जाएंगे तो कुछ बातें ऐसे कर देंगे तो चले जाएंगे। बिल्कुल, पहले पेमेंट करवाते तब हॉस्टल में छोड़ते हैं, चलो हॉस्टल में, ऐसा भी होता है। यहाँ पे तो साथ में बैठा जाता है, हॉस्टल में भी रहने की सुविधा है। हाँ, जब तक एडमिशन 3 दिन नहीं हो तब भी अब कहा भी जाता है कि जाके बात करूँ उनसे, वो हमसे अच्छा बताएंगे, है ना, जो पहले सीख चुके। बिल्कुल, चलिए अच्छा, भरोसा कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, 100%। आप कहाँ से हैं? सर यूपी से। यूपी से हैं जी सर। किस गांव से है? कौड़िया बाजार है सर, गांव मदनपट्टी। कौड़िया बाजार, इसी आजमगढ़ में ही पड़ता है जी। और आपका कोर्स हो चुका है ना लगभग? हाँ कंप्लीट हो गया, मतलब 28 दिन हो गया है आए हुए यहाँ पे। 28 दिन हो गया? हाँ जी सर। एसी का काम कर लेंगे? हाँ सर, मतलब पहले इस फील्ड में थे क्या? नहीं सर, फील्ड में डायरेक्टली एक महीने में सीख लेंगे काम? हाँ सर, मतलब कंप्लीट हो गया, मतलब 2-4 दिन अभी जो अधूरा है वही बचा है। अच्छा, वायरिंग कर लेंगे? हाँ वायरिंग हो जाएगा। हाँ सर, वायरिंग हो जाएगा। आप बताइए, आप बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते, आप कहाँ से हैं? मैं अम्बेडकर नगर जिले। अम्बेडकर नगर जिले जी, सी आजमगढ़ के जस्ट बगल में जिला है जी। तो यहाँ पे आने के बाद कुछ समझ में आ रही चीज है? जी बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा समझ में आ रहा जी है जी सर। अच्छा, ये एक महीना हो गया सर। एक महीना हो गया जी सर। मतलब आपका कोर्स बस एसी का ही की? जी एसी का ही। ओनली एसी है ना? जी ओनली एसी। कर लेंगे फील्ड में काम? जी सर। इसमें कौन सी गैस डालते हैं, क्या सावधानियां हैं, कंप्रेसर क्यों फटते हैं, ये सारी चीज जानते हैं कि क्या क्या होता है? जी सर, सब चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जान का सवाल है ना। अगर आप नॉलेज कम रहेगा तो उल्टे सीधे तरीके से काम करेंगे और कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकता है। जी, ये सावधानियां वगैरह ये सब जान के ही काम करिए, फील्ड में ज्यादा अच्छा रहेगा जी। ठीक है, आप बैठ जाइए। इसमें बहुत सारी वीडियोज जो हमारी बनी हुई है उसको भी देख सकते हैं, बाकी और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से। बिहार से जी, बिहार के वो बॉर्डर की तरफ से। अच्छा अच्छा, तो आप कैसे यहाँ पे आ गए? मेरे एक दोस्त ने बताया था आपके बारे में कि वो आपका वीडियो देखता था। हाँ। मैं तो पढ़ाई कर रहा था। जो दोस्त है वो पहले फील्ड में काम कर रहे थे? जी दिल्ली में काम करता था वो। अच्छा, वो टेक्निशियन है जी, और वीडियो देखे और आपसे बताए कि सीखना हो तो जाके वहीं सीख। जी वो भी आने वाला था, दो साल से वो कर रहा है। हाँ। बस उसका कम्प्लीट नहीं हुआ है, वो बोल रहा था कि मतलब अच्छा नहीं करवाता यहाँ से, तुम वही जाओ। आपके बारे में बताया था कि मतलब यहाँ इंस्टीट्यूट है आजमगढ़ में, यूपी से जा सकते हो। तो बोला यार फ्रॉड वोड का कुछ सिस्टम होगा, और यूपी के नाम से हम लोग डर लगता था, ये बात है। बिहार से डर लगता है? और वो भी लास्ट से। और क्या बोलते हैं कि मतलब डर है,
नहीं यहाँ नहीं है जो अफवाह फैलाए हुए यूपी बिहार ऐसा है वैसा है मार नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है ना नहीं मेरे उस्ताद यहाँ से पढ़े हुए हैं आजमगढ़ से अच्छा मदरसा में मेरे इमाम है अच्छा, वो भी अच्छा। बोल रहा था मेरे कि नहीं आजमगढ़ अच्छा है आप जा सकते हो घर पे मतलब अम्मी सब मना कर रही थी मत जाओ मत जाओ फिर मैं उस्ताद को बोला कि मुझे जाना है तो उस्ताद बोला ना कि ठीक है जाने दो तो आने दिया मिलो अच्छा तो आने के बाद हुआ फायर नहीं कुछ नहीं कुछ फ्रॉड वर्ड नहीं मैं तो चार दिन बाद एडमिशन लिया दबंगी हो रही है नहीं कुछ नहीं हो रही है मतलब जो सोचे सब फ्रॉड था वैसे गलत था सब मतलब जो भी कुछ उल्टा सोच रहे थे इसके बारे में ये सब झूठ है झूठ है जी सीख लेंगे ऐसा लग रहा है काम जी बिल्कुल पूरा लग रहा है कितने दिन हुआ है 14 दिन हो गया क्या सीखने 14 दिन में मैं विंडो एसी का 90% कंप्लीट हो गया है अभी तो बचा भी है ना जी और फ्रिज का भी 80-85% हो गया फ्रिज का की नहीं ये वाशिंग मशीन क्या वाशिंग मशीन सबसे हार्ड वायरिंग ही है वायरिंग कर लेंगे जी वायरिंग हाँ क्या पार्ट वगैरह इसमें लगे होते हैं सब जानते हैं क्या जी सब कुछ अभी भी इस पे क्लास चल ही रहा है अभी जब कंप्लीट होगा तो उम्मीद लग रहा है कर लेंगे वाशिंग मशीन बना लेंगे घर भी जाके आराम से चलिए बहुत अच्छा आप बढ़ गए आप बताइए आप कहाँ से हैं जी सर मैं कुशीनगर जिले के लक्ष्मी नारायणपुर अच्छा तो आपको आए हुए कितना दिन हो गया यहाँ पे वो लगभग एक महीना हो गया एक महीना हाँ क्या सीख लिया एक महीने में स्प्लिट एसी सीख लिए हाँ पिछले बैच से हाँ और विंडो एसी हाँ और ये वाशिंग मशीन चल रहा है फुली ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन भी सीख लिए अच्छा अच्छा तो ऐसा लग रहा है काम सीख के ही जाएंगे घर पे हाँ सर ऐसा लग रहा है पहले इस फील्ड में थे आप हाँ थोड़ा बहुत था एक दो महीने किए थे काम तो एक दो महीना वहाँ दिए थे और एक महीना यहाँ दिए मान लीजिए तो किसमें ज्यादा समझ में आया वहाँ के यहाँ इसमें मतलब ऐसा लग रहा है सीख लेंगे ना सब मिला जुला के ठीक है बाद में आप कहाँ से हैं सलाम वालेकुम सलाम मैं जिला अमेठी का रहने वाला हूँ जिला अमेठी का रहने वाला जगदीशपुर का जगदीशपुर तो यहाँ पे आए हुए कितना दिन हुआ आपको सर आज चौथा दिन हुआ चौथा दिन हो गया और बीच में आप आए थे तो क्या आपको समझ में आ रहा है चीजें एक तारीख से स्टार्ट हुआ विंडो एसी का काम में 50% सीख गया अच्छा, आधे से आया हूँ अच्छा, अच्छा, तो मतलब कंप्रेसर हाँ, और मोटर हाँ, और पीसीबी वायरिंग हमारे अच्छा, सामने हुई जिसमें हमको नॉलेज हो गया हाँ, बीच से भी आने पे भी कुछ समझ में आया कुछ अगर नहीं भी आया रहेगा तो अगले महीना में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख सीख लेंगे वाशिंग मशीन में जो काम शुरू से हुआ है मुझे सारा नॉलेज हो गया अच्छा फोर वाश टाइमर का जो फोर वायरिंग हाँ, चार तार हाँ, पांच तार छह तार सात तार ये सब हो गया ये नॉलेज हो गया पूरा वायरिंग कर लेंगे हाँ सर तुरंत कर लेंगे बहुत और 5 से 6 साल पहले हमने हाँ, कूलर का काम किया है जिसमें से नॉलेज है हमको अच्छा, 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 उसके बाद छोड़ दिया फिर पढ़ाई करने लग गया हाँ, तो सर मैंने आपका एक वीडियो देखा मान चलो 4-5 महीने पहले हाँ, तो मेरा पढ़ाई सोचा कंप्लीट हो जाए तो मैं करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में काम करूंगा तो पढ़ाई एग्जाम दिया उसके बाद उस एग्जाम में थोड़ा धांधली हो गई रिजल्ट में अच्छा अच्छा तो मतलब वो रिजल्ट 3-4 महीने बाद अब जांच पड़ताल हो रही है हाँ, तो हमने सोचा बैठने से अच्छा इंस्टीट्यूट में चला जाओ हाँ, नहीं नॉलेज रहेगा तो अपना नॉलेज है अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो कुछ ये मिल जाएगा फिर यहाँ से मैं पकड़ लूंगा कोई फ्रॉड नहीं है यहाँ आने के बाद डेमो में मिला डेमो भी किया जिसमें से हमने पूछा बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों से पूछे जो हाँ लोगों से भी पूछे काम अच्छा सिखा रहे हैं सर यह फील्ड में तुम 10 दिन में नहीं सीख पाओगे यहाँ वो काम 1 दिन में सीख जाओगे अच्छा जो 10 दिन में फील्ड में नहीं सीख सकते हो एक दिन में वाशिंग मशीन के बारे में हम फील्ड में 10 दिन काम करते तो इतना मत पता न पता चला जो हमने बता रहे किए थे नहीं आया और 2-4 दिन यहाँ से मतलब एक एक चीज बताया जाता है हाँ यही रीजन होता है इतना कम टाइम में सीखने का कि फील्ड में कोई बताता नहीं बताता है और यहाँ पे हाथ पकड़ के बताया जा रहा है ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ये इसका पार्ट है ये इसका नाम है ये ऐसे चेक करते हैं ऐसे लगाते हैं ऐसे निकालते हैं पहले तो पार्ट का नाम बताते हैं जिसमें नॉलेज हो जाता है नॉलेज ये क्या चीज है ये क्या चीज है चलिए बहुत अच्छा आपका एडमिशन हो गया है नहीं सर एडमिशन नहीं हुआ है लेकिन अब 16 तारीख का पेमेंट कर देंगे अच्छा 3 दिन का ही डेमो होता है ये सबको याद होना चाहिए किसी मजबूरी की वजह से सर, ना नहीं हो पाया तो मजबूरी वाली बात अलग हो जाएगा चलिए ठीक है।
नमस्ते सर। नमस्ते, आप कहाँ से हैं? सर मैं यूपी के रायबरेली जिले का, मेरा गांव गोपालपुर है सर। गोपालपुर, कितना दिन हुआ है वो यहाँ पर? यहाँ लमसम हमको हो गया 14 दिन। 14 दिन हो गया जी सर। आप भी वही विंडो एसी सीख रहे होंगे? जी सर, विंडो एसी वॉशिंग मशीन मेरा चल रहा है जिसमें विंडो एसी पूरा होने वाला है और वॉशिंग मशीन भी पूरा होने। अच्छा, तो जो पूरा होने वाला है ठीक है, लेकिन आ भी रहा है पूरा कि क्या है? सर पूरा आ रहा है, जितना पढ़ाया गया उतना तो पूरा आ रहा है, उसके आगे जो बताया जाए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं आ की जाती है ना, नहीं सीखो नहीं जाना है, किसी की तबीयत खराब होगी बीच में जाना चाहते हैं तो रोका जाए, नहीं रुको नहीं जाना है। सर वो जा सकते हैं जिसकी तबीयत नहीं, तो यहाँ पे कोई किसी चीज की कमी नहीं, मतलब किसी भी चीज का रोक टोक नहीं है, आपकी मर्जी, आपको सीखना है आप सीखेंगे तो सिखाएंगे, नहीं सीखेंगे तो नहीं सिखाएंगे, बस सही है ना? सही है सर। ठीक है, आप सर हम आए थे यहाँ पे रात में, आजमगढ़ आए थे, आजमगढ़ से हम कप्तानगंज आ गए, तो यहाँ आने के लिए कोई भी साधन नहीं मिल रहा। फिर सर आपने भेजा था अपने एक लड़के को जो हमको कप्तानगंज से यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेके आया रात में 1 बजे तक, 1 बजे रात में, 1 बजे रात में हमने फोन किया, वहाँ से डर रहे थे कि अब कैसे जाए, लोकल एरिया में गाड़ियाँ नहीं चलती, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, ट्रेन वगैरह लेट सवेर हुआ करती है, 3 बजे कोई आए रात में, 4 बजे आए, 1 बजे आए तो भेजा जाता है यहाँ से रिसीव करने। जब आप इतने दूर से यहाँ तक आ सकते हैं तो हम यहाँ सही नहीं भेज देंगे, उसकी टेंशन मत लिया करिए आप लोग, जब भी रात भी कभी भी आएंगे रिसीव किया जाएगा, ऐसा नहीं छोड़ दिया जाएगा वहीं सो जाओ, ऐसा नहीं, आज ले लिया जाएगा, रिसीव कर लिया जाएगा। आज में कोई परेशानी वसानी हो रही है? नहीं सर कोई परेशानी, परेशानी भी हो थोड़ा सा दीजिएगा, क्योंकि सीखने आए हैं, काम रहने के लिए घर पे मौज मस्ती आराम से कर रहे हैं। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, घर से जैसे घर का माहौल है वैसे यहाँ भी है। चलिए अच्छा, आप बताइए, बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कहाँ से हैं? सर हम बिहार के बक्सर जिले से आए हैं। बिहार के बक्सर जिले से जी। तो यहाँ पे आने के बाद कुछ सीख पा रहे हैं? बिल्कुल सीख पा रहे हैं जी। क्या सीख रही है? विंडो एसी का सर मेरा कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट होने वाला है जी। और कुछ उसके साथ कर रहे हैं? बस मेरा एसी है सर। आप कौन ली एसी कोर्स से जी? विंडो एसी अगर कंप्लीट हो जाएगा तो क्या लग रहा है कि आप काम कर लेंगे? जी जी बिल्कुल, फिल्म जाके काम करेंगे। पहले सर हम काम कर रहे थे। अच्छा, दिल्ली में भी सीख रहे थे। कितना दिन किए थे? मतलब वही 4 महीना किए। 4 महीना जी। तो सर वहाँ उतना नॉलेज नहीं हो पा रहा था। अच्छा, मतलब समझ में नहीं आ रहा था वायरिंग का। हाँ, यहाँ पे वायरिंग सीख लिया नहीं? जी जी वायरिंग। दिन में सीखे वायरिंग? वायरिंग वायरिंग तो वही 2 दिन में, 1-2 दिन में वायरिंग कंप्लीट हो गया। 2 दिन में? जी जी। अरे आया हुआ भी सही, बस हो गया कम्प्लीट तो हो गया? नहीं नहीं सर कम्प्लीट हो गया, मतलब आ गया जी, आ गया काम। और डायग्राम भी बनाया जाता था कि भूल भी जाए, सीखे भूल भी जाए, देखने के बाद आ जाएगा जी सर। कुछ फ्रॉड व्रॉड हुआ आपके साथ? नहीं सर बिल्कुल नहीं, कोई फ्रॉड। पैसा सर लिए गए तुरंत आते ही? नहीं नहीं ऐसा नहीं। कब लिया गया पेमेंट? 3 दिन के बाद लिया। पूरा ले लिया गया? क्या था? नहीं आधा लिया गया। आधा बाद में होगा जब कोर्स खत्म होने वाला रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा या होने से पहले। बोल बैठ जाइए। आप तो अभी कल आए हैं, डर लग रहा है ना? कहने का नहीं, कोई बात नहीं है, कहने का मतलब इनसे आप मिलिए पहले, इनसे बातें करिए। बात किए थे नहीं आप इन लोगों से? नहीं बात किए थे? आए थे सर, मेरे तो बताए थे कुछ? हाँ जी सर मैंने बताया। बड़ा चलाक नहीं बताना, जो चीज़ मिल रहा है वही बता दो। देखिए डरने की जरूरत नहीं है, बीच में आए हैं, हो सकता है थोड़ा पिछा दिन ना समझ में आए, लेकिन आएगा जरूर, जो आ गया वो सीख के जाएगा, अगर सीखने वाला है तो मतलब उसका मन लग रहा है तो टेंशन नहीं लेना, शुरुआत में जब तक नहीं आता समझ तक मन करता भाग जाए ना सीखे, समझ नहीं आ रहा हमारा इतना पैसा फंस जाए, ऐसी दिक्कत नहीं, कुछ पैसा नहीं फंसेगा यहाँ। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कहाँ से हैं? बिहार भागलपुर से। आप कहाँ से आए थे? ये कब आए थे? हम 8 तारीख को आए थे। 8 तारीख को आए जी। तो 8 6 दिन हो गया ना जी। कुछ सीखे उखे? हाँ सर सीख लिए, 6 दिन में वॉशिंग मशीन का वायरिंग, विंडो एसी का वायरिंग। अच्छा जी सर, वायरिंग सबसे मेन होती है, वायरिंग सीख लिए 6 दिन में जी। आया भैया? हाँ सर आया सर। कर लेंगे काम भी? हाँ कर लेंगे। ऐसा लग रहा है 1.5 महीने सीख लेंगे जी? पहले लग रहा था? नहीं सर। अच्छा, और कोई ऐसी दिक्कत विक्कत हुई रहने में, हॉस्टल वॉस्टल में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर यहाँ रहने में। कोई दबाव? कोई दबाव नहीं है। पेमेंट कब कराया गया था? तुरंत पेमेंट? तुरंत नहीं कराया गया था, 3 दिन का डेमो दिया जाता है यहाँ, उसके बाद पर यहाँ हमने देखा है काम करके काम यहाँ पे सिखाया जाएगा, तो सर के बोलने से पहले ही हम पेमेंट दे दिए थे। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छा है, और कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। आप दो चार लोग और बच्चे हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन थोड़ा सा। सलाम। और सलाम, आप कहाँ से हैं? सर कटिहार जिला बिहार से। कटिहार जिला बिहार से। तो यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो चुका आपका कभी कुछ और बचा हुआ? नहीं सर अभी बचा हुआ, 25 दिन है अभी, मतलब वॉशिंग मशीन है मतलब ऑटोमेटिक, और उसके बाद
खत्म हो जाए। आपका आपको आए हुए 25 दिन हुआ, कितने दिन हुआ आप आए? 24 दिन हुआ। 24 दिन हुआ जी। एक महीने में क्या क्या चीज सीख लेंगे बताइए? एक महीना में सर स्प्लिट एसी सीख लिए, फ्रीज सीख लिए और आरओ सीख लिए, गीजर सीख लिए। एक महीना में जी? अरे डेढ़ महीना कोर्स एक महीने सीख लिए बताइए। पहले कैसे सीख लिए, मतलब डबल बैच कर रहे थे या सिंगल बैच से सीख लिए? डबल बैच चल रहा है, मतलब एक में वॉशिंग मशीन सीख रहे थे, एक में एसी जी, एक में फ्रिज, फ्रिज में एसी, ऐसा कुछ था जी। सीख भी पा रहे थे कि बस वैसे ही सुनते चले जा रहे थे, भूलते चले जा रहे? सर उसमें सीखने में यहाँ जिस तरह बताया जा रहा है ना बहुत ईजी है सर। पहले मैं बता रहा हूँ, यहाँ इन करने से पहले हमको नीडल और फेस का मालूम नहीं था जो ये है क्या चीज। अब यहाँ पता चल रहा है जो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जी। एसी बहुत बड़ी चीज कुछ है क्या? एसी बहुत बड़ी है, बहुत हार्ड है? नहीं सर, यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ पहले लग रहा था, अभी तो कुछ नहीं लग रहा है। जो लग रहा है जो हम काम कर सकते हैं इसमें, है ना, मतलब एसी उसी इतना हार्ड नहीं है जितना सोचते हैं, है बहुत इजी, पर समझ में थोड़ा सा आ जाए तो बस बजाएगा। रहने वाने कोई प्रॉब्लम हो रही है? रहने में सर कोई प्रॉब्लम नहीं। इस फील्ड में पहले से थे? नहीं थे ना, तभी तो कह रहे न्यूट्रल फेस नहीं। हमको सर बोल रहे हैं यहाँ आने से पहले हमको न्यूट्रल और फेस के बारे में पता नहीं था। इंटरव्यू निकाल लेंगे ऐसा लग रहा है जी? थोड़ा आप लोग थोड़ा सा बस दो मिनट रुक जाइए, इंटरव्यू निकाल लेंगे ऐसा लग रहा है? आराम से निकाल लेंगे सर। सीओ रिपीट का दोनों होता है जी? ऐसा नहीं बस लिखवाते चले जाते हैं, कुछ बताते नहीं प्रैक्टिकल में? नहीं नहीं सर, थ्योरी होने के बाद प्रैक्टिकल होते हैं, समझाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक ही बार बताया जाएगा फिर नहीं बताया जाएगा? नहीं सर, जितना बार आप अगर नहीं समझ में आ रहा जितना बार पूछिएगा उतना बार बताया जाएगा। गुस्सा नहीं हो जाता है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं देखा अभी तक। ठीक है, आप बताइए आप कहाँ से हैं? सलाम अलैकुम। अस्सलाम, मैं बिहार के कटिहार जिले से हूँ। अच्छा, तो आप आए हुए कितने दिन हुए आपको? दस बारह दिन जी। सीख पा रहे हैं कुछ? जी सीख पा रहे हैं। कोई दिक्कत वक्त लग रही है? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है। कुछ फ्रॉड होगा फ्यूचर में ऐसा लग रहा है यहाँ? फ्रॉड लग रहा था कि होने वाला है लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ आने के बाद लग रहा था कि पहले लग रहा था? नहीं सर पहले। अच्छा, आने के बाद तो नहीं लगा ना कभी फ्रॉड होने वाला है? नहीं सर, आने के बाद। अच्छा, और कोई ऐसी परेशानी वरसानी? नहीं सर, परेशानी कुछ नहीं है। जबरदस्ती कहा जाता है एडमिशन करा लो मत जाओ, नहीं, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो चार दिन बाद एडमिशन किया था। चार दिन बाद किया था जी? पूरा फुल कर दिए थे? नहीं नहीं, आधा आधा, मतलब जो चीज बताई गई थी वो मिला ना आपको जी? सर ऐसा नहीं बताया गया ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा फैसिलिटी ऐसा कुछ, और आने के बाद कुछ नहीं? नहीं नहीं, सब कुछ जो कहा गया था मिला सर? सब कुछ मिला। आप बताइए आप कहाँ से? मैं बिहार समस्तीपुर से। अच्छा, आपको आए हुए कितना दिन हुआ यहाँ पे? आज 13 दिन हो जाएगा। 13 दिन काम सीख पा रहे हैं आप? काम अभी लिखे चेक देखिए, हमारा अभी क्लास चला है दो क्लास, एक चला है वॉशिंग मशीन का और एक चला है आपको विंडो एसी का। विंडो एसी का लमसम 60-80% कम्प्लीट है, जिसमें हम लीकेज चेक कर सकते हैं, चौक चेक कर सकते हैं, बाकी जो भी इसमें है ना वो हम खुद से। गैस के सावधानियां वगैरह किस मतलब कौन सी गैस डालनी चाहिए कौन सी नहीं डालनी चाहिए, वो सब प्रेशर वगैरह कितना होता है वो सब बताया गया, सब आ रहा है? हाँ सब आता याद है, पूछ ले। हाँ पूछ सकते हैं, जान दे लंबी वीडियो लंबी बन जाएगी। और बाकी कोई वैसी दिक्कत उक्कत हो रही है? नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। असल में ना हमारे बड़े भाई हैं, वो एचवीएसी टेक्नीशियन है। अच्छा, तो उन्होंने ही आपके बारे में बताया था, कहा कि एक बार जाओ 3 दिन का क्लास है करके देखो, और हम आए यहाँ और तीसरे दिन है ना चौथे दिन हम पेमेंट कर दिए, क्योंकि यहाँ बोला वाला कुछ नहीं जा रहा था कि आप पेमेंट करो, हम खुद ही कर दिए। और दो दिन क्लास किए समझ में आ गया, हाँ ऐसा कुछ नहीं फ्रॉड वॉड होता। और भैया कहे थे क्योंकि भैया पहले से ही उस फील्ड में है, जब वो कह रहे हैं तो मतलब ठीक ही होगा। उन्होंने ही कहा था कि आप जाओ एक बार देखो, हम बोले ठीक है जाते हैं, हम खुद ही अकेले हैं। और सर को कॉल किए, सर डायरेक्शन बता दिए कि आप ऐसे ऐसे आ जाओ। और सर का फैसिलिटी है कि अगर आप दिक्कत अगर रात में हो रहा तो गाड़ी भी प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए ठीक, बाकी आने के बाद कहा नहीं गया कि नहीं तुम पेमेंट कर दो? नहीं नहीं, फोन से कह दिया कि 3 दिन डेमो और आने के बाद नहीं पेमेंट करिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से आप रहो, ऊपर जाओ रूम में रहो खाओ। रूम कितना किलोमीटर यहाँ से होगा रूम आपका? मेरा बस छत पे है। छत पे बस ऊपर, इसी बिल्डिंग में है? हाँ बस ऊपर। तब तो बहुत अच्छा आपका, थोड़ा और इधर आ जी, इधर आ जी। सर मेरा नाम इमरान है, मैं कुशीनगर से। और कहाँ से कहाँ से? कुशीनगर से। कुशीनगर से, कुशीनगर जिला ऐसी है जो आपका संत कबीर नगर के बगल में है ना, वही गोरखपुर के आसपास में। और यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सीख पाए काम, पैसा हमारा फंस जाएगा इतना? सर नहीं लगा। ये पैसा बहुत ज्यादा है, कम नहीं है मिडिल परिवार के लिए, 19,500 या 13,500 बहुत ज्यादा पैसा है।
तो कमाने में हालत खराब हो जाती है, कई कई महीने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं लग रहा है ना कि नो सर, नो सर, वो सारा पैसा फंस जाएगा? सीख लेंगे काम, 100% सीख लेंगे, कोई फ्रॉड हुआ यहाँ पे नहीं सर। और आप अगर नहीं आपको समझ में आता है, मान लीजिए कुछ चीज बता रहे हैं, जाहिर सी बात है पहली बार उसके बारे में समझ रहे हैं तो एक बार में थोड़ी आ जाएगा। तो जब नहीं आता है तो क्या जब आप पूछते हैं तो उसको बोला जाता है क्यों पूछ रहे हो ऐसा कुछ? सर बताया जाता है, ऐसा नहीं कहा जाता नहीं बैठ जाओ एक बार बता दिए इतना बहुत है, तो माइंड तुम्हारा कमजोर है तो हम क्या करें, ऐसा कुछ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है ना? सब सही है सर, भरोसा करने लायक है थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है, और कोई उसकी परेशानी वरसानी? कोई दिक्कत नहीं है सर, सब सही है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इंस्टीट्यूट खोलने का मकसद ही यही है कि पहले बहुत फ्रॉड हुआ करते थे, हमने बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ फ़ोन किया करते थे जब हमारा सिर्फ यूट्यूब चैनल था, इंस्टीट्यूट नहीं था तब, कि सर हम यहाँ गए फंस गए, यहाँ हमारा 30,000 चला गया, यहाँ 40,000 चला गया, यहाँ 35,000। और ये भी याद रहे ये जो इंस्टीट्यूट की फीस है अदर इंस्टीट्यूटों से कम भी रखी गई है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्या है कोई 28,000 ले रहा है, कोई 35,000 ले रहा है, कोई 25,000 ले रहा है, कोई 22,000 ले रहा है, लेकिन ये फीस भी कम रखी गई ताकि कोई दिक्कत किसी को ना, गरीब से गरीब लोग भी यहाँ पे काम को सीख सकें। तो मेन मकसद एंड मकसद यही है कि काम को सिखाना, क्योंकि हम लोग फील्ड में बहुत फंसे हैं और हम लोग जब फंसते थे तो रोने भी लगते थे, घर में जाने के बाद खाना वाना अच्छा नहीं लगता था, आदमी फंस गए, मान लीजिए आपके पड़ोस में आप बनाने गए किसी चीज़ को और वो नहीं बना पाए, वो समझ में नहीं आ रहा, गैस बार बार चोक हो जा रही, कुछ ऐसा दिक्कत आ रही, तो फिर वो बंदा जब आपसे मिलेगा ना तब आपको थोड़ा सा एक हेजिटेशन होगा, मतलब शर्माहट होगी कि यार नहीं बना पाए थे, और फिर जब वो आप सही से नहीं कर पाएंगे काम तो घर आने के बाद वही टेंशन लगा रहेगा कि यार नहीं बना पाए, कैसा होगा, कैसा दिक्कत, ये सब हम लोग बहुत झेले हैं, तब जाके ऐसा होता है कि नहीं बताएंगे नहीं तो आए कैसे, जब हम लोग इतना पढ़ें पढ़ाएं ऐसी बात है, लेकिन तुरंत नहीं गए थे फील्ड में, पहले पढ़े फिर पढ़ाए एक आध साल उसके बाद फील्ड में गए तो फंस रहे थे, रीजन क्या था कि टीचरों ने हमको सही से गाइड नहीं किया था, वो थ्योरिकल सिस्टम लेके चलते थे सिर्फ, लेकिन जब हम लोग फील्ड में उतरे तो समझ आए क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे अलग चीज़ें यहाँ पर मिलेगी आपको, क्योंकि हम लोग खुद फील्ड में काम किए हैं और अपनी दो दुकानें भी अभी इस टाइम एक यहाँ पे है महाराजगंज में ही और एक यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पे है अतरौलिया 20 किलोमीटर दूरी पे, वहाँ पे तो फील्ड का नॉलेज मिलेगा आपको, टेंशन नहीं लेना है और कोई जोर ज़बरदस्ती भी नहीं है ऐसा, है ना। और आ सकते हैं अगर आप एक महीने में नहीं सीख पाएंगे, 1.5 महीना सीखे 2 महीना बस सीख के जाएंगे, इसमें कोई भी फ्रॉड व्राड का सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।